All right. I'll tell you the truth. Go on. पिछले एपिसोड में अब तक हम लोगों ने देखा जहाँ पे ट्वाइस और तोगा की काफी बुरी हालत हो चुकी होती है यहाँ पे जिन नाम के क्लोन से, जहाँ पे ट्वाइस ने अपने इनफाइनाइट क्लोन्स बना लिए होते हैं। दाबी फाइट कर रहा होता है जिटेन नाम के बंदे से जो कि MLA का यानी कि मेटल लिबरेशन आर्मी का काफी अच्छा वॉरियर है। दूसरी तरफ ट्वाइस को दिखाया जाता है जो कि वो 110,000 सभी MLA को यानी कि मेटल लिबरेशन आर्मी को पीट रहा होता है। डॉक्टर अब काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि अब सब मरने वाले होते हैं क्योंकि उसने जाइंट मैन को उठा दिया होता है और ऑर्डर दिया होता है कि अब मास्टर का सक्सेसर बनो। साथ ही साथ यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ट्वाइस रीड रिस्ट्रो के अड्डे पर पहुंचता है और उसके साथ फाइट होती है जहाँ पे शिगारा की पूरी बिल्डिंग को ही नीचे की तरफ गिरा देता है। और अब आगे एपिसोड 23 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कुछ मिनट पहले का सीन जहाँ पे तोगा का अब यहाँ पे ट्वाइस काफी अच्छी तरीके से ख्याल रख रहा होता है। साथ ही साथ वो उसकी मेजरमेंट ले रहा है। एक्चुअल में मेजरमेंट लेने का कारण ये है जिससे वो उसका एक और क्लोन बना सके। और यहाँ पर वो ये बताना चाहता था रीड रिस्ट्रो को कि तोगा मारी जा चुकी है, इसलिए वो उसका एक क्लोन बना देता है। अब यहाँ से रियल तोगा और ट्वाइस वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। ट्वाइस कहता है तोगा मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सीन शिफ्ट होता है, स्पिनर को दिखाया जाता है जो कि एक बाउंड्री के ऊपर काफी जोरदार तेजी से भाग रहा होता है क्योंकि वो मिस्टर पॉलिटिशियन को मारना चाहता है। एक्चुअली मिस्टर पॉलिटिशियन का नाम ट्रम्पेट है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ट्रम्पेट को अकेले ही लीड कर रहा होता है। एक्चुअल में इसकी पावर ये है कि वो किसी भी बंदे के अंदर उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटेलिटी यानी कि मेंटल एबिलिटी वो बढ़ा सकता है। जहाँ पे वो अपने एक मास्क को पहनता है और काफी अच्छी तरीके से स्पीच देता है तो वो अपना मेंटल एबिलिटी खो देते हैं और उसकी बात मानते हैं क्योंकि ब्रेन वॉश हो चुका था। यहाँ पे हमें उसका नाम ट्रम्पेट दिखाया जाता है। एक्चुअल में मैं इसे मिस्टर पॉलिटिशियन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसे स्पिनर भी मिस्टर पॉलिटिशियन ही बुलाता है। कि वॉइस में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिट है जिसकी वजह से इनकी फिजिकल और मेंटल एबिलिटी बूस्ट हो जाती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि लीग ऑफ विलियंस के साथ ऐसा क्यों नहीं होता क्योंकि वो लोग भी तो इस स्पीच को सुनते हैं। स्पिनर और ट्वाइस दोनों के ऊपर काफी जबरदस्त हमला होता है जहाँ पर एक बंदा अपने फटने वाली पावर का यूज करता है और स्पिनर पर चढ़ जाता है लेकिन स्पिनर अपने आप को काफी अच्छी तरीके से डॉच करते हुए बचा लेता है। स्पिनर सोच ही रहा होता है कि इसके तक कैसे पहुंचा जाए जहाँ पे उनका ध्यान भटक जाता है। एक्चुअल में यहाँ पे एक काफी बड़ी बिल्डिंग गिरी थी। साथ ही साथ यहाँ पे भी एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि डांस पोजीशन करते हुए वहाँ पे काफी बड़ा होल कर देती है जिसके बाद एक बंदा उस पर आता है और स्पिनर पर काफी बड़ा झपट्टा मारता है जिसका नाम प्रेकर होता है और वो काफी जोरदार फेंकता है। जहाँ पे मिस्टर पॉलिटिशियन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी आर्मी को रेडी होने के लिए बोलता है इस बंदे पर हमला करने के लिए यानी कि स्पिनर पर। स्पिनर का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर उसे कहा गया था कि कोई भी तुमसे अच्छा नहीं है। एक्चुअल में ये शिगाराकी ने कहा था इस बात को और उसके सभी दोस्त एक साथ आ चुके थे। इनके टीम अप होने के पहले का सीन था। खैर यहाँ पे वो लोग आते जाते हैं जहाँ पे स्पिनर उन्हें बताने की कोशिश करता है कि तुम लोग कौन हो और मिस्टर पॉलिटिशियन एक्चुअल में तुम सभी को भड़का रहा है, तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहा है। लेकिन ये सारी चीजें उनके ऊपर असर नहीं करती कि तभी वहां पर खड़ी बिल्डिंग पूरी की पूरी धराशाही हो जाती है जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था। यहाँ पे गिरन को दिखाया गया था जो कि अभी भी जिंदा है। साथ ही साथ रीड स्ट्रो जो कि काफी तक गुस्से में होता है और उसके सामने अब असली वाला शिगाराकी खड़ा होता है यानी कि तोमुरा शिगाराकी। यहाँ पे वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और उनके बीच में एक जबरदस्त फाइट होने लगती है। शिगाराकी कहता है कि अब फाइनली मैं तुमसे मीट कर पा रहा हूँ रीड स्ट्रो यानी कि MLA मेटल लिबरेशन आर्मी के मेन हेड के साथ। जहाँ पे वो दोनों ही फाइट करते हैं और यहाँ पर भी पता चलता है कि शिगाराकी फाइट के दौरान काफी दूर जाके गिरा है। अब हमें पता चलता है रीड स्ट्रो की पावर को। रीड स्ट्रो एक ऐसा बंदा है जो कि स्ट्रेस पर आने से उसकी फिजिकल एबिलिटी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर मेरी चीज पता है कि हमारा जो शिगाराकी है वो काफी ज्यादा कमजोर है एज अ फिजिकल स्ट्रेंथ, मतलब वैसे तो ताकतवर है लेकिन इस बंदे के सामने थोड़ी देर के लिए कमजोर पड़ता है। जहाँ पे उसकी बहन का हाथ पड़ा होता है जिसका बहन का नाम हाना होता है और ये सारी चीजें उसे उसके मास्टर ने दी थी जहाँ पर उसने कहा था कि समय के साथ सारे घाव भर जाएंगे।
और वो अपनी बहन को याद करता है जो कि काफी ज्यादा अच्छी थी और हमेशा उसकी मदद करती थी। ताकि अब इन सभी चीजों से काफी ज्यादा तंग आ चुका था और उसके दिल पर भी इस सभी चीजों का काफी गहरा असर पड़ता है। यहाँ पे शिगाराकी का हाथ को दिखाया जाता है जो कि हमारे रीड स्टो के हाथ को पकड़ता है, जिसकी वजह से रीड स्टो से दूर फेंक देता है। हमें समझ में आता है शिगाराकी ने अपने पावर का यूज किया था, जिसकी वजह से उसके हाथ में क्रैक आ गए थे और हमारा शिगाराकी काफी दूर जाके गिरता है, जहाँ पे उसकी फ्लैशबैक में उसकी मॉम आती हैं और वो उसे पुकारती हैं। अब शिगाराकी पूरी तरह से मेंटल एबिलिटी की खो चुका था और वो पागलों की तरह बिहेव करने लगा था। तो अब जीटन के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि आइस यानी कि टेम्परेचर ऑफ आइस को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन यहाँ पे अब हमारे शिगाराकी की फिजिकल एबिलिटी काफी अच्छी तरीके से बूस्टअप हो चुकी थी और अब हमारा जो जीरिस्टो होता है वो सोच में पड़ जाता है, क्योंकि ऑल माइट के साथ भी इसने एक बार फाइट की हुई है जिसका फायदा उठा सकता है। अब शिगाराकी पूरी तरह से अंधा हो जाता है क्योंकि उसके माइंड में सिर्फ रीडिस्टो को हराने की बात लिखी होती है, लेकिन रीडिस्टो अब अपने 80% लिबरेशन फॉर्म में होता है, इसलिए उसे हरा पाना थोड़ा मुश्किल होगा। जहाँ पे वो एक एनर्जी बॉल बनाता है और शिगाराकी को उसी के साथ फेंक देता है। शिगाराकी स्लो मोशन में दूर जाकर गिरने लगता है, जहाँ पे वो अपने फ्लैशबैक्स को याद करता है, अपने ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर को याद करता है जो कि उसके साथ काफी अच्छा बिहेव किया करते थे। सेप्टिक का कॉल आ जाता है अगले सीन में, जहाँ पे वो रीडिस्ट्रो को बताता है कि उनके ऊपर काफी बड़ा हमला हुआ है, एक जायंट मैन ने उनके ऊपर हमला किया है और वो पूरी तरीके से पागल है, जिससे हमें बचना होगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा खतरनाक है और ये कई बिल्डिंग्स के बड़ा है, यानी कि ये एक दो मंजिल नहीं तकरीबन 4 से 5 मंजिल बड़ा है। जिस बात को सुनते ही रीडिस्ट्रो भी थोड़ा परेशान हो जाता है। इस बात से अब वो अपने हाथ की तरफ देखता है, तब उसे समझ में आता है कि शिगाराकी ने उस एनर्जी बॉल पर टच करने के पहले उसके हाथ को टच किया था, जिसकी वजह से उसका हाथ अब धीरे धीरे टूटने लगा था। शिगाराकी अब पूरी तरह से थोड़ा सा पागल हो चुका था। अब वो अपने हाथों को देखता है अपने जेब से निकालते हुए, जो कि उसके फादर या फिर गौ मदर का हो सकता है। रीडिस्ट्रो कहता है, तुम्हारा अब कोई फ्यूचर नहीं। जिस पर शिगाराकी कहता है, मुझे फ्यूचर की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसका पास्ट ही काफी ज्यादा बुरा होता है। पिछले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोतारा, जो कि हमारे शिगाराकी का फादर है, वो काफी ज्यादा रूड है और उसके फैमिली वाले उसके प्रति काफी ज्यादा अच्छे हैं, यानी कि शिगाराकी को सब लोग प्यार करते हैं सिवाय उसके फादर के। अब उसका फादर यानी कि कोतारा एक बिजनेसमैन है और वो हीरोज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। साथ ही में ये भी पता चलता है कि बचपन से ही शिगाराकी के पूरे शरीर पर खुजलियां हुआ करती थी, की वजह से वो काफी ज्यादा स्क्रैचेस अपने शरीर पर या फिर कहूं अपने आंखों पर मारता था, लेकिन फिर भी उसकी मदर एंड ग्रैंड मदर उसका हमेशा ख्याल रखा करती थी। लेकिन उसका फादर काफी ज्यादा रूड था, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है। उसका खाना जो कि उसकी बहन थी वो भी उसका सपोर्ट करती है, जिसपे वो सपोर्ट करते हुए बताती है कि मैं भी तुम्हारा सपोर्ट करती हूँ हीरो के बेसिस पर। लेकिन यहाँ पे हमें समझ में आता है कोटारा बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हीरोज को। तब फिर से काफी जबरदस्त तरीके से डांटता है हमारे शिगाराकी को और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बार फिर से स्क्रैच या इचिंग करने की। यहाँ पे कोतारा यानी कि उसकी मॉम बार बार कोतारा चिल्लाती यानी कि अपने हस्बैंड को, जिससे वो उसे बीट ना करे, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता और वो अपने बेटे को काफी ज्यादा बीट करता है। फाइनली उसे एक लेटर मिलता है जहाँ पे उसे सबके परिवार वाले छोड़कर जाने लगते हैं, शायद ये उसकी पिछली वाली बीवी रही होगी के बिना। ये लोग काफी ज्यादा खुश हैं क्योंकि यहाँ पे हमें समझ में आता है कि कोतारा एक सैडेस्ट फादर है, यानी कि वो हमेशा को छोटी छोटी चीजों को लेकर बीट किया करता था अपने बच्चों को और अपनी रूल्स पे ही चला करता था। आए थे अगर उसे कोई भी तोड़ता वो उसे बीट जरूर करता था। यहाँ पे शिगाराकी अपने कुत्ते के साथ लगा होता है, यानी कि अपने गले लगाया होता अपने कुत्ते को, लेकिन देखते ही देखते उसका कुत्ता भी वहीं पर मारा जाता है। यहाँ पर मैं एक चीज समझ में आती है कि शिगाराकी जब भी उसके पूरे शरीर में इचिंग होती है या फिर वो परेशान होता है, आसपास की चीजें उसके लिए नष्ट होने लगती हैं जैसे वो टच करता है। ऐसे ही उसकी बहन डरकर भागने लगी थी, जिसकी वजह से वो अपनी बहन को रोकता है और फादर को ना बताने की बात कहता है, लेकिन उतने में ही उसकी पूरी बहन टूटकर बिखर जाती है जैसे कोई पत्थर हो। इस चीज को देखते हुए उसके सारे फैमिली मेंबर्स चीख की आवाज सुनते ही बाहर आते हैं, जो कि देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये सब क्या है। जहाँ पे वो अपनी मॉम की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना ज्यादा स्ट्रेस में होता है कि वो जमीन को टच करता है, जिससे पूरी जमीन ही फट जाती है। साथ ही साथ ये पावर का असर उसकी दूर खड़ी मॉम और ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर पर भी होता है। फादर ये सारी चीजें देखता है और काफी ज्यादा परेशान हो जाता है,
जहाँ पे हमारा शिगारा की अपने फादर की तरफ दौड़ता है और सॉरी बोलता है, लेकिन उसका फादर उस पर काफी बड़ी स्टिक से हमला करता है जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है और अपने ही फादर को काफी बेरहमी तरीके से मार देता है और ये कहता है तुझे तो मरना ही होगा। समझ में आ चुकी है कि शिगाराका को जब भी कभी भी ज्यादा इचिंग होती है जिसकी वजह से उसकी पावर इनहेंस हो जाती है, वो अब अपनी पावर्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसके बाद ये एपिसोड भी यहीं पर दम तोड़ता है। एपिसोड 24 के प्रीव्यू में दिखाया गया है कि शिगाराकी अकेले रास्ते में चलता है जहाँ पे उसे मास्टर पकड़ लेते हैं और उसे अपने घर ले जाते हैं साथ में। अगले एपिसोड में हमें रेडिस्टो वर्सेस शिगाराकी काफी अच्छी तरीके से दिखाया जाएगा जहाँ पे वो अपने हैंड को अपने मुंह पर रखता है जो कि उसकी बहन का है शायद से। फाइनली यहाँ पे मिस्टर सेप्टिक और बाकी सभी मेटल लिबरेशन आर्मी की फटे में होती है क्योंकि यहाँ पर आ चुका होता है जाइट मैन और इसका नजारा साथ ही साथ लीग ऑफ विलेंस भी देखते हैं। अब इनके लिए काफी बड़ी दिक्कत होने वाली थी यानी कि मेटल लिबरेशन आर्मी की, क्योंकि यहाँ सामने खड़ा था हमारे शिगाराकी और पीछे तरफ से आ रहा है जाइट मैन यानी कि मेटल लिबरेशन आर्मी की दोनों तरफ से फाड़ के रख देंगे ये लोग। तो यार देखने में मजा आने वाला है। तो मेरी एक्सप्रेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मेरा इंस्टाग्राम पेज है तो उसे भी जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन, साथ साथ फेसबुक और डिस्कॉर्ड पर भी, अमेजोन की लिंक नीचे दी हुई है उससे जाके आप कुछ भी परचेस कर सकते हैं।